News 18, India. जंग के बीच यूक्रेन ने रूस के बेलग्रद इलाके को दहला कर रख दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने वहां खतरनाक मिसाइलें दाग कर तबाही मचा दी। इस हमले में 6 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया, क्योंकि यूक्रेन की फौज ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और बेलग्रद की सूरत बदल कर रख दी। वहां एक इमारत को निशाना बनाया गया जो हमले में पूरी तरह तबाह हो गई। उस इमारत पर लगे शीशे टूट कर बिखर गए, यहां तक कि कंक्रीट की दीवारें भी ढह गईं। उस इमारत के बाहर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। वहां गाड़ियों के शीशे चकनाचूर दिखाई दिए, जबकि एक गाड़ी ने तो खौफनाक हमले की तस्दीक कर दी। उस गाड़ी पर फायरिंग के निशान दिखाई दिए। रूस ने वीडियो जारी कर यूक्रेन पर मिसाइल अटैक करने का आरोप लगाया और उसे आतंकी हमला बताया। दावा किया गया कि इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कैंसर की काट खोजने का भरोसा जता दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि उनके देश के वैज्ञानिक जल्द ही कैंसर की वैक्सीन बना लेंगे। पुतिन ने यह भी दावा किया कि जल्द ही कैंसर की वैक्सीन लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने आर्थिक संकट में घिरी गो फर्स्ट एयरलाइंस को खरीदने के लिए बोली लगाई। गो फर्स्ट पर अलग अलग बैंकों का करीब 6,500 करोड़ रुपए कर्ज है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। इस दौरान BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1% की बढ़ोतरी हुई। सेक्टोरल इंडेक्स में PSU बैंक, मेटल, ऑयल एंड गैस और पावर को छोड़कर दूसरे सभी इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। इसी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 376 अंकों की तेजी के साथ 72,426 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 129 अंकों की बढ़त के साथ 22,040 के स्तर पर पहुंच गया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए गुजरात के कच्छ और लालपुर से बांधनी के दुपट्टे मंगवाए जाएंगे। बांधनी करीब 5,000 साल पुरानी लोक विरासत है। इन दुपट्टों को गुजरात के कई जिलों की महिलाओं ने खास तौर पर अनंत अंबानी और राधिका की शादी के लिए तैयार किया है। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में CRPF जवानों ने नक्सलियों की बड़ी